प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चेक सब कर दिया। तूने चेक सब नहीं किया, तूने 15 लाख रुपए सब कर दिए। 15 लाख! अरे 6 महीने के बाद इसने चेक दिया था, वो भी 20-25 धक्के खाने के बाद। अभी वो लबर पता नहीं दूसरा चेक कभी देगा। आप सही कह रहे हैं, वो लबड़ी है, उसने इंक पेन से चेक पर लिखा। बुल पेन से लिखा होता ना तो ऐसा नहीं होता। पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है, अक्कल है? जब वो जलगांव में चेक लिख रहा था तभी उसको मालूम था क्यों इंक पेन से लिखो, तो कभी बॉम्बे जाएगा तो जेठालाल की बीवी इसके ऊपर चाय गिराएगी। हाँ शायद। ना ना ना, वो क्या है कि वो गोला खाया था तो सर्दी हो गई फिर ठीक आ गई। अरे तो किसने बोला था गोला खाने के लिए? मैंने बोला था गोला खाने के लिए? आपने तो अपने हाथों से मुझे खिलाया था, पर सर्दी हो गई तो। तू, तेरी माँ, सुंदर, नटू काका, सब मेरी जान का दुश्मन है, दुश्मन। इसमें मेरी माँ और सुंदर को क्यों बीच में ला रहे हैं? आप ही हमेशा बोलते हैं ना कि एक बात में दूसरी बात नहीं लानी चाहिए, और अभी आप खुद ये चेक पर चाय गिर गए तो उसमें मेरी माँ और सुंदर की क्या बनती? जब देखो तब मेरे बाइके वाले को सुनाते रहते हो, छींक तो किसी को भी आती है। अगर मेरे बदले आपको छींक आती और आपके हाथों चाय चेक पर गिर जाती तो बोलिए तो क्या करते आप? बोलिए, चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। एक तो खुद गलती करती है, गलती स्वीकारने की बात तो बाजू पर है, ऊपर से मुझे सुना रही है। चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी, अक्कल वगर जो डोबे। नॉनसेंस। चल बाजू रहना अभी। आज जय जिनेंद्र भी नहीं बोला। अरे जेठा अंकल नहीं है अब तक? अरे उनके दुकान जाने का टाइम हो ही गया है, अभी आते ही होंगे। ये देखो जेठा अंकल आ गए। कितना लेट है, हम लोग कब से आपका वेट कर रहे हैं? क्यों अंकल, हमें आपको सफारी सूट में देखना है। हाँ, वो पापा कह रहे थे कि रात को आप सफारी ड्रेस में एकदम कॉमेडी लग रहे थे। तो अपने पापा को बोलो सफारी ड्रेस पहनो, तो फिर उनको देख के हंसो, समझे अंकल? वो भी करेंगे,
पहले आप सफारी पहन के दिखाओ ना प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ अंकल प्लीज फटाफट चेंज करके आओ ना। हाँ सुबह से बहुत चर्चे हो ना आपके सफारी के। ऐसे बड़े लोगों का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों का? जेठा अंकल भड़क गए। जेठा अंकल भड़के हुए भी कॉमेडी लगते हैं। अच्छा भाग भाग। मजाक उड़ाता है? बोलो तेरी मम्मी को। नॉनसेंस। अच्छा फिर से टप्पू के पापा ने मुझे डांट दिया। रोज रोज तुम रोज छोटी छोटी बातों के लिए मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। अब ये चीज तो कभी भी आ सकती है, उसमें मेरी क्या गलती? बस बस बहुत हो गया, अब मैं उनका गुस्सा बिल्कुल सहन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। आप भी कमाल करते हैं आप भी। मैं उधर बैंक के बाहर पौने घंटे तक आपके आने का इंतजार करता रहा, आप आए नहीं। मैंने कितने फोन किए तो फोन भी नहीं उठाते। That is not the way to work with me. After all, commitment is commitment. चेक फर्स्ट क्लियरिंग में डालना है कि नहीं? नहीं। क्यों? वो पवार साहब इसकी बदली में दूसरा चेक देंगे तब भी फर्स्ट क्लियरिंग में जाएगा। अरे सेठ जी ये क्या किया आपने? 15 लाख के चेक को खारी बिस्किट समझकर चाय में डुबो दिया? नहीं नहीं नहीं, आपके सेठाने ने डुबोया है। नहीं नहीं सेठ जी मैं नहीं मानता, सेठाने जी ऐसा नहीं कर सकती। तो फोन करो और पूछो उसको। सेठ जी सेठान जी फोन नहीं उठा रही। तो जाओ घर जाके पूछ के आओ। सो कहाँ जा रहे हैं आप? घर पे सेठान जी को पूछने। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है। तो ठीक है चाय बोल के आता हूँ। अरे रुको, अरे पहले वो चेक बदली करके आई है। सॉरी सेठ जी मैं पवार साहब के ऑफिस में नहीं जाऊंगा, मगन को भेजिए। क्यों? अरे क्यों क्या सेठ जी, पवार साहब के ऑफिस में मुझे 2-2 घंटे बैठना पड़ता है, ना कोई पानी का पूछता है ना कोई चाय का। 2 घंटे बैठने के बाद बोलते हैं कि सेठ जी जलगांव जाने के लिए निकल चुके हैं। मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा, आप पवार भाई का जवाई नहीं है कि आपके जाते ही उनका स्टाफ आपकी आगता स्वागता में लग जाए। जाइए। ठीक है। रुकिए, चाय पीने का इतना मन तो चाय बोल के आइए, बाद में जाना। थैंक यू। सुबह दया ने दिमाग का दही किया, अभी नट्टू काका उसी दही की छाछ बना रहे। फोन क्यों नहीं उठा रही है? चलो बाद में फोन करता हूं। गरम है सेठ जी, पी के जाता हूं। अकाउंटेंट अजीत भाई आज आप आइए आइए जी। वो
वॉशिंग मशीन का ईएमआई का चेक देने आया हूँ, लीजिए। अरे वॉशिंग मशीन का ईएमआई तो भाभी जी भरने आते हैं, और टीवी का ईएमआई आप भरने आते हैं। वो ईएमआई की अदला बदली कर ली। अच्छा मतलब टीवी का ईएमआई अभी भाभी जी भरने आएंगे? जी नहीं, वो अब कभी भी नहीं आएगी। क्या मतलब? वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। मेरी जिंदगी की बैलेंस शीट जीरो हो गई। अरे 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 अरे, सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं नहीं जेठा भाई, चली गई मतलब दुनिया छोड़कर नहीं चली गई है, मुझे छोड़कर चली गई है। अरे सॉरी हाँ सॉरी। इसलिए अब सारे ईएमआई मुझे ही भरने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? और आप दोनों के बीच में तो कितना प्यार था, कितनी वो क्या बोलते हैं वो और टेली थी, टेलीपैथी। हाँ, और कितनी बार मैंने देखा है आपको और भाभी जी को एक साथ में एक ही बात याद आती थी। एक्सक्यूज मी अजीत भाई, लेकिन आप दोनों पति पत्नी के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण भाभी जी घर छोड़ के चली गई? मुझसे छोटी सी गलती हो गई। इस बार उसके मोबाइल का बिल बहुत ज्यादा आ गया, तो बिल देखकर मैं भड़क गया। मैंने उसे कहा कि तुम अपने मायके वालों से कितनी लंबी बातें करते रहती हो, तो एसटीडी का बिल कितना ज्यादा आया। और गुस्से में मैंने उसके मायके वाले को भी भला बुरा कह दिया। क्या अजीत भाई, आप भी कमाल है, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। अरे हमारे सेठ जी को देखो, समुंदर है समुंदर, दरिया दिल। आज हमारी सेठानी जी ने 15 लाख के चेक पे गलती से चाय गिरा दी। सेठ जी ने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। बोलो एक मिनट। अजीत भाई, लेकिन इतने छोटे से बात के लिए भाभी जी घर छोड़ के चले गए? जेठा भाई, चेक बाउंस होने के लिए एक छोटा सा दाग काफी होता है। अब मैं तो झगड़ा करके ऑफिस चला आया, फिर ऑफिस में बैठकर मैंने फिर से घर पे फोन किया, तो उसने फोन ही नहीं उठाया। और जब रात को घर पहुंचा तो घर पे थी ही नहीं। तो बाद में आपने मोबाइल पे फोन नहीं किया? किए, बहुत फोन किए, मगर उसने एक फोन नहीं उठाया। फिर मैंने मेरे साले को फोन किया, तब पता चला कि वो तो अपने मायके जाके जमा हो गई है, और मेरी खुशियां उधार हो गई। लेकिन फिर एक दो दिन बाद भाभी जी को फोन करके घर पे बुला लेना चाहिए ना। कैसे बुलाता, उसके बाद में उसने अपना मोबाइल नंबर ही बदल दिया। नफरत के खाते में मेरे प्यार का चेक रिटर्न हो गया। बोलो, इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के चले जाए, मानने में नहीं आता है। जेठा भाई, हम पति तो ऐसे झगड़े को छोटी बात समझकर भूल जाते हैं, मगर ये पत्नियां इसी बात को हमेशा जिंदगी भर अपने मन में भर कर बैठती है। हाँ, ये बात आपने 100% सच कही। हाँ अजीत भाई, स्त्रियां सब सरीकी। मैं आपको मेरी पत्नी मंगू की कहानी बताता हूँ। सेठ जी, मंगू की ये बात सुनने जैसी है। हाँ? सुन रहा हूँ। मेरी मंगू के साथ शादी हुई ना, उसके बाद मैं अपने ससुराल में खाना खाने गया। अब उसने मुझे घी कम लगा, तो मैंने मुंह पे बोल दिया कि इसमें घी कम है। बस तब से लेके आज तक जब भी वो सीधा बनाती है ना, हमेशा ऊपर से घी डालती है। आपको घी कम लगता है ना, आपको सीधे में घी कम लगता है ना, ये लो और लो। बस नाटू काका, बस नटू काका की बात लेकिन सच है। अपनी पत्नी को 2-4 बात सुना दो, मगर उनके मैके वालों के बारे में एक शब्द भी कहा ना, तो हमारी जिंदगी की बैलेंस शीट जीरो बैलेंस दिखाएगी। चलता हूं। और हाँ जेठा भाई, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी के साथ पंगा कभी मत लेना। अरे मैं तो कहता हूं, अगर पत्नी की भी गलती हो ना, तो तुम एक बार माफी मांग लेना, क्योंकि जब पत्नी घर छोड़कर चली जाती है तो पति की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, न घर का न घाट का। आप समझ गए ना? थोड़ा लेट बोला आपने। क्या नहीं, कुछ नहीं, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। चलता हूँ।
एक मोबाइल बिल के झगड़े की वजह से पत्नी घर छोड़ के चली गई और मैंने तो आज दया को कितना भला बुरा कह दिया। सॉरी बोल देता हूँ दया को। ये दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। खुद गलती करती है, गलती स्वीकारने की बात बाजू पर है, मुझे सुना रही है, सुना रही है। चुप, चुप, चुप। एक शब्द नहीं बोलेगी, बोलेगी। कल बगर चुडोबे, 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 चुडोबे। आज बालकनी में भी नहीं आई। नटू काका, मेरा घर पे फोन लगाना। तो सेठ जी कोई उठा नहीं रहा। हेलो, हेलो जीजा जी, बहना को लेकर कहाँ घूम रहे हो? अरे भाई मैं तो दुकान में हूँ। तो बहना आपके साथ नहीं है? नहीं। अरे कमाल, मैं कब से बहना को फोन कर रहा हूँ, बहना फोन ही नहीं उठा रही है। ये दया तेरा फोन भी नहीं उठा रही है, कमाल है। ओहो जीजा जी, आप तो ऐसे भोला बनकर बात कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। क्या बोल रहा है भाई तू? और जीजा जी आप नाटक छोड़ो, सुबह जब मैंने फोन किया था आप बहना को डांट रहे थे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ए जीजा जी झूठ मत बोलो, सुबह मैंने सुना है आप बहना पे चिल्ला रहे थे। जीजा जी आपको पता है कि बहना को कोई भी बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, फिर भी देखो जीजा जी आप याद रखना, अगर मेरे बहना को आपने परेशान किया तो मेरा जैसा कोई नहीं। लगता है दया वाकई में बुरा मान गई है, सुंदर का फोन भी नहीं उठा रही। अगर आज सुंदर की बात दया से नहीं हुई तो वो तो मेरा जीना आराम कर देगा। क्या करूं? नटू काका जी, सेठ जी मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वो घर पे थोड़ा काम है, आता हूँ अभी। सेठ जी घर जाते ही सेठानी जी से माफी मांग लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बोले ऐसा कुछ नहीं है, अरे ये नटू काका के अनुभवी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। कब से सेठानी जी को फोन लगा रहे हैं और बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। मुझे सब मालूम है सेठ जी, मुझे सब मालूम है। बिजली के खुले तार का नाम है सुंदर, बिजली के उस तार की तरह सुंदर जिसका करंट सिर्फ जेठालाल को लगता है। आप धमकी दे दी अपने जीजा जेठालाल को कि भाई मेरी बहन को कुछ हो गया तो आपकी खैर नहीं। जिंदगी में कभी भी पत्नी के रिश्तेदारों से पंगा मत लीजिए, और खास तौर पे तब जब साला सुंदरलाल की तरह हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन मेरे मित्र जेठालाल की जिंदगी के सिक्के के दोनों पहलुओं पे एक ही चीज लिखी हुई है, मुसीबत। अब देखिए ना, दया भाभी पे गुस्सा कर बैठे, अब परेशान है कि दया भाभी से बात नहीं हो पा रही है, फोन नहीं उठा रही है। भाई गुस्सा चीज ही ऐसी है। किसी शिष्य ने एक बार गुरु से पूछा कि गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि पुष्य नक्षत्र का इंतजार करो बेटा। वो बोले वो तो 2 साल में एक बार आता है। तो बोले इससे ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत भी क्या, गुस्सा जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें लेके आता है। अब देखते हैं कि जेठालाल का ये गुस्सा यहाँ क्या गुल खिलाता है, क्या जेठालाल की बातचीत दया भाभी से हो पाएगी, या फिर सुंदर सीधे मिसाइल की तरह यहाँ टपकेंगे गोकुलधाम में। इन सबको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तब तक जिंदगी में गुस्सा मत कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.